अब्दुल्ला आजम ने कहा कि उर्दू गेट को नहीं गिराया गया बल्कि मुसलमानों की जुबान को गिराने की कोशिश की गई है। नाइंसाफी करने वाले अर्ज से जल्दी फर्श पर आ जाते हैं, उर्दू गेट गिराने का जवाब चुनाव में देंगे। यूपी के रामपुर में आज जिला प्रशासन द्वारा उर्दू गेट को बिल्डोजर से तोड़ दिया गया। इस मामले पर सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और स्वार टांडा से मौजूदा विधायक अब्दुल्ला आजम ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि आप कहें तो गोरखपुर से, तो क्या मैं हैदराबाद से भी इलेक्शन लड़के जीत के दिखा सकता हूँ? गोरखपुर नहीं बचा सके, उप मुख्यमंत्री फूलपुर से हार गए, ठीक है, उस मालिक की लाठी बेआवाज होती है, तो चलेगी तो सारा हिसाब। गरीबों की दुआओं की भी कोई जगह तो होगी, मजलूमों की दुआओं का भी कुछ असर तो बाकी होगा, उसकी दुआ कबूल होगी, कोई नहीं बचा सकता। आपने आपने और आपके ही माध्यम से हमें भी पता चला था, सवाल ये नहीं कि उर्दू गेट गिरा या कोई सरकारी इमारत गिरी या सरकारी पैसे का अगर कहीं दुरुपयोग हुआ तो उसकी किसी ने शिकायत करी। सवाल ये है कि प्रशासन को भी और सरकार को भी इस बात को बताना पड़ेगा के लफ्ज उर्दू से कितनी नफरत है। ये नफरत लफ्ज उर्दू से है, रामपुर शहर से है, मुसलमानों से है, इस शहर की तरक्की से है, किस चीज़ से? ये नफरत मुसलमानों से उर्दू अल्फाज के नाम पर निकाली गई है, ये मुसलमानों की जबान की एक निशानी को गिराने की कोशिश की गई। प्रशासन को ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो तर्क प्रशासन ने दिया है कि गाड़ियों के गुजरने की वजह से और गाड़ियों को उधर से गुजरने में जो कठिनाई होती है इसकी वजह से उस गेट को गिराया गया है, तो अधिकारियों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से कम ज़िले होंगे जहाँ पर रामपुर के मुकाबले का ट्रैफिक सिस्टम होगा, ये यहाँ के मुकाबले की सड़कें। जी सर, एक सेकंड रुक जाइए डीएम सर, ये पूरी कार्रवाई जानना चाहेंगे आज जो उर्दू गेट को लेकर के हुई है। मुझे एक शिकायत प्राप्त हुई थी 25 तारीख को कि इसके पूर्व में कई बार शिकायत की गई है, पीडब्ल्यूडी की रोड पे स्वार जाने वाली जो सड़क है उस पर लो बीम लो लेवल का एक गेट बना है जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध होता है और वो पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस का कारण बना हुआ है। इसलिए मैंने उसमें उस शिकायत को पाने के बाद एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जिसमें पीडब्ल्यूडी, आरडीए, नगर पालिका के सारे लोग थे, सिटी मजिस्ट्रेट को शामिल करते हुए, और उनसे ये जांच करके रिपोर्ट देने को कहा। उस रिपोर्ट में ये निकल के आया कि वो गेट एक तो पीडब्ल्यूडी की रोड पर पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर सीएनडीएस द्वारा बनवाया गया, उसमें विधायक निधि और सीएनडीएस के सेंटेज का पैसा लगाया गया, लेकिन उसमें पीडब्ल्यूडी से किसी तरीके की अनुमति नहीं ली गई क्योंकि ज़मीन पीडब्ल्यूडी की थी और रोड पीडब्ल्यूडी की थी तो उसमें अनुमति लिया जाना ज़रूरी था। न किसी तरीके की एनओसी ली गई, न आरडीएस से कोई एनओसी ली गई, न प्रशासन से किसी तरीके की अनुमति उसमें प्राप्त की गई। दूसरी चीज़ ये थी कि लो बीम होने की वजह से और लो लेवल होने की वजह से वहाँ से ट्रैफिक जैसे बस वगैरह जाना पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस का कारण था क्योंकि जो डाइवर्जन बनाया गया था वो आबादी से होकर जाता है अभी, और जो सीधी रोड है उसमें आबादी नहीं है तो कन्वीनियंट ये रोड पड़ती है। इसलिए ये निर्णय लिया गया और उसमें आदेश दिया गया कि चूँकि अनियमित रूप से बना हुआ है और इनकन्वीनियंस का कारण है इसलिए इसको गिरा दिया जाए। और इसमें जो भी जिस समय जिन अधिकारियों ने बनाया और नियम का पालन नहीं किया, मानकों का पालन नहीं किया, उनके लिए हम शासन को लिख रहे हैं कि शासन इसमें चाहे तो जो पैसा लगा है, चूंकि सरकारी पैसा लगा है, इसमें रिकवरी